हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियाज किचन हिंदी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रूह अफ़ज़ा बनाने की रेसिपी, जिसे हम गुलाब का शरबत भी कहते हैं और ये पीने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में 1.5 कप पानी लेंगे और इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी को हम मिक्स करते हुए मेल्ट होने देंगे। धीरे धीरे को लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो से मीडियम ही रखेंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक हमें इसे चलाते रहना है। चीनी धीरे धीरे पानी में मेल्ट हो रही है, मिक्स हो जाएगी अच्छे से, तब तक ही हमें इसे पकाना है। गैस का फ्लेम हम स्लो से मीडियम ही रखेंगे और आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे चीनी सारी पानी में मिक्स हो जाएगी। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू का जूस भी यूज कर सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। जब सिट्रिक एसिड अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम 5 से 6 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। इसको हम लगातार धीरे धीरे चलाते हुए पकाते रहेंगे और आप नोटिस करेंगे कि जो सिट्रिक एसिड हमने ऐड किया था वो ये चाशनी को बिल्कुल क्लियर करने में हेल्प करता है। ये जो आपको दिख रहा है चाशनी थोड़ा सा फेड कलर में, ये बिल्कुल क्लियर धीरे धीरे होने लगेगा। अब ये देखिए बिल्कुल क्रिस्टल कलर आ गया है चाशनी का। अब इसमें हम बॉयल वाटर लेंगे 1 कप और धीरे धीरे करके 3-4 बार में इसको ऐड करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। ये एक ट्रिक है फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम इसको बना रहे होते हैं तो हमें इसमें बॉयल वाटर ही यूज़ करना है। तो हम धीरे धीरे करके 3-4 बार में 1 कप बॉयल्ड वाटर इसमें ऐड कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे। आप नोटिस करेंगे कि जो बबल्स उठ रहे थे चाशनी में वो एकदम से शांत हो गए हैं धीरे धीरे। ये देखिए बिल्कुल चाशनी जो है वो शांत हो गई है, उसमें एक भी बबल्स नहीं है। पानी को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम 2 चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने डाबर के ब्रांड का गुलाब जल लिया है। आप और भी किसी ब्रांड का गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें 1/4 चम्मच रोज एसेंस यूज़ करेंगे और इसको पानी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें हम 1/4 चम्मच केवड़ा एसेंस यूज़ करेंगे। अगर आपको केवड़ा एसेंस पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस भी यूज़ किया है और इसको अच्छे से चाशनी के साथ में मिक्स कर देंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर। रेड फूड कलर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपका कलर अच्छा है, थोड़े से ही कलर से अच्छा कलर आएगा तो आप थोड़ा यूज़ करें, नहीं तो कलर जितना डार्क रखना है उतना आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, बिल्कुल जो रूह अफ़ज़ा जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा ही कलर आया है। तो ये कलर भी अच्छे से मिक्स हो गया चाशनी में। अब इस स्टेज पर हम इसमें 2 कप चीनी और ऐड करेंगे और इस तरीके से हमने ये शरबत रेडी करने के लिए 4 कप चीनी यूज़ की है। इसे हम लगातार 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए और गैस का फ्लेम हम स्लो से मीडियम ही रखेंगे। इसे हमें ज़्यादा टाइम तक पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी अगर हमने इसको ज़्यादा टाइम तक पकाया। जब चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए तब हम इसमें हाई फ्लेम पर 3 से 4 उबाल लाने तक पकाएंगे। तो अभी मैंने इसका हाई फ्लेम कर दिया है गैस का और आप देख रहे हैं बहुत ज़ोर से इसमें उबाल आ रहे हैं, लेकिन हम इसको चलाते रहेंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक उबलने देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी है एक जैसी आए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हैं इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा।
तो इसे ईद के अवसर पर या समर सीजन में आप घर पर ही बनाइए मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसमें जो बबल्स हैं वो शांत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ठंडा हो रहा है और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको मैं टच कर पा रही हूँ, इसका मतलब है कि ये ठंडा है। इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको कांच के किसी जार में या फिर किसी बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। और मेरी रेसिपी एंड तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।